लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। Hello students, I Pranshu Pare and in the series of operating system today we are going to cover a topic that is SJF algorithm. तो SJF algorithm का पूरा नाम होता है shortest job first, मतलब जो process सबसे कम होगा, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा. स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड टेक्स द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम फर्स्ट, इन द सेंस कि जिस भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा, जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं जिसमें सब जिसका एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम कम होगा उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी और उसके बाद किसी अदर प्रोसेस की होगी. फिर बोथ प्रिम्प्टिव एंड नॉन प्रिम्प्टिव, मतलब ये जो एल्गोरिथम है ये दोनों तरीके से काम करता है, प्रिम्प्टिव में भी और नॉन प्रिम्प्टिव में भी. प्रिम्प्टिव और नॉन प्रिम्प्टिव का मतलब ये कि ऐसा भी हो सकता है इसमें कि अगर कोई प्रोसेस आई जिसकी की प्रायोरिटी किसी दूसरी प्रोसेस से ज़्यादा है तो वो इस प्रोसेस को छोड़ के पहले इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ये भी हो सकता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए गई है उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो और उसके बाद किसी दूसरी प्रोसेस को वो इंटर होने दे, ये वाला भी इसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है. कॉस्ट स्टार्वेशन, अब नॉन प्रिम्प्टिव के केस में जब बार बार प्रोसेस नॉन प्रिम्प्टिव के केस में बार बार प्रोसेस इंटर होंगे और बाहर जाएंगी तो जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा होता है उस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा देर तक के लिए वेट करना पड़ता है, उसे स्टार्वेशन कहते हैं. और शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम के केस में स्टार्वेशन सबसे ज़्यादा होता है. अब हम इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम के थ्रू. तो इसका क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम, मतलब इसमें हम क्या देखते हैं प्रोसेस का बर्स्ट टाइम. इससे पहले वाला जब हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम सॉल्व किया था तब हम क्या देखते थे प्रोसेस का अराइवल टाइम, पर अभी इसका क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम. यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस है P1, P2, P3 और P4 जिनका कि कुछ बर्स्ट टाइम है. हमको इसमें वेटिंग टाइम हर प्रोसेस का कैलकुलेट करना है और टर्न अराउंड टाइम, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम. ओके, सो P1 जिसका बर्स्ट टाइम है 6, तो हमको क्या करना है शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट लेना है. तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन है इसमें 3, यानी कि P4. तो हम जैन चार्ट बनाएंगे. सबसे पहले वो प्रोसेस है कि जिसका कि एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम सबसे कम हो, तो वो हमारे पास है कौन सी P4. हमने P4 लिया, 0 पे आए और कहाँ तक चली, 3 तक चली. ये टाइम काउंटर है तो ये सेकेंड्स भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकता है, दैट्स नॉट द मैटर. ये 3 तक चली. देन अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो हम कौन सी देखेंगे जो अब जो शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट कौन है P1. तो हमने P1 को लिया. P1 कितना है 6 है, तो ये 9. अब कौन सी आएगी P3, ये वाली कंप्लीट हो गई तो P3 आएगी. P3 कितना है 7, तो 3 कितना है 7, तो 7 के बाद हमने किया तो ये कितना हुआ 16. कौन सा आएगा P2 लास्ट में, जो सबसे बड़ी थी वो सबसे लास्ट में P2 कितना हो गया 24. तो P2 के लिए क्या हो गया, स्टार्वेशन हो गया, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस थी वो क्या आ रही थी, पहले आ रही थी. तो शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट में स्टार्वेशन इस तरीके से होगा. ये हमने सारी प्रोसेस का एक जॉइंट चार्ट बना लिया. अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे. तो P4 ने कितना वेट किया है 0,
P1 ने कितना वेट किया है? 3 तक वेट किया P1 ने। P3 ने कितना वेट किया है? 9। और P2 ने कितना वेट किया है? 16 तक। इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि सारी प्रोसेस तक कहाँ तक का एग्जीक्यूशन किस मोमेंट पे हुआ, तो हम कहेंगे 24 पे सारी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम टर्न अराउंड टाइम काउंट करेंगे, तो P4 का टर्न अराउंड टाइम का कितना है? 3 है P4 का ना, राइट। P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना है? 9। P3 का कितना है? 16। एंड P2 का कितना है? 24। तो इस तरीके से हमने टोटल वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया। अब हम इनको एवरेज निकाल लेंगे। ये हो जाएगा वेटिंग टाइम, हो जाएगा (28/4), दैट इज 7। और टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 9 + 24 + 16 + 3 हो जाएगा 3। हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे टर्न अराउंड टाइम यहाँ से, और ये हो जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज कैलकुलेट किया कि किस शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में किसी भी उसमें नॉन प्रिम्प्टिव केस हमने एक सॉल्व किया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में प्रिम्प्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं।